हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह की ये दो कलर की ड्रेस बनाएंगे। ये ड्रेस मैंने क्रीम और रेड कलर की ऊन से बनाई है। ये जीरो और एक नंबर के लड्डू गोपाल की ड्रेस है। इसमें मैंने घेरे में इस तरह की डिजाइन बनाई है और लास्ट में मैंने इस तरह के लूप बना के अपने इस तरह का बॉर्डर बनाया है। इस तरह का बॉर्डर बनाना मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया है। इसमें मैंने एक रंग की ऊन से ही बनाया, सिंगल कलर से बॉर्डर बनाया। इस वाली ड्रेस में मैंने डबल कलर से बनाया है। इस वाली ड्रेस में मैंने अपने लूप्स पास पास में बनाए हैं और इसमें मैंने थोड़ा सा दूर बनाया है। इस तरह हम अपनी ये ड्रेस बनाते हैं। इस ड्रेस को बनाना शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है। और कमेंट्स करके ज़रूर बताएँ कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। अगर आपको ये लूप बनाना आप मेरी ड्रेस में समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, मैं अलग से इसका वीडियो आपको बना के डाल दूँगी। चलो हम इस तरह की ड्रेस अब बनाना शुरू करते हैं। ये ड्रेस बनाने के लिए मैंने चोली बना के कंप्लीट कर ली है। ये हम जीरो और एक नंबर की ड्रेस बनाएंगे। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इसे बनाना देख सकते हैं। इसमें हम 14 फंदे डालते हैं और तीन बार जाली डालते हैं और इसमें बाजू में हम 8 फंदे घटाते हैं। फंदे घटाने के बाद मैंने एक उल्टी और एक सीधी सिलाई निकाल ली। अब हम उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में सभी फंदे हम रेड कलर की ऊन से एक के दो करते हुए बना लेंगे। तो मैं सभी फंदों को एक का दो करते हुए बना लेती हूँ, जैसे मैं हर अपनी डिज़ाइन में बनाती हूँ। तो एक का दो करने के लिए पहले फंदे को हम आगे से बनाते हैं, फिर हम पीछे से बनाते हैं। इस तरह से हम सभी फंदों को एक का दो करते हुए अपनी इस लाइन को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। इसमें मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है। उल्टी सिलाई निकालने के बाद इसमें सभी फंदे हमारे डबल हो गए हैं। पहले हमारे इसमें 22 फंदे थे, अब हमारे इसमें 44 फंदे हो गए। अब हम अगली रो अपनी क्रीम कलर की ऊन से निकालेंगे। क्रीम कलर की ऊन से निकालने के लिए शुरू में हम दो फंदे सीधे बनाते हैं, फिर दो फंदों को हम बिना बना उतार लेते हैं, फिर हम दो फंदे सीधे बनाते हैं, फिर दो फंदे को उतार लेते हैं। इस तरह मैं पूरी रो को कम्प्लीट कर लेती हूँ। दो फंदे हमें उतारने और दो फंदे हमें बनाने, इस तरह पूरी रो कंप्लीट कर देती हूँ। इस तरह मैंने रो कंप्लीट कर ली है। अब उल्टी सिलाई में आ गए। उल्टी सिलाई में हम जो फंदे हमने उतारे थे उनको उतार लेंगे और जो फंदे हमने बनाने हैं उनको हम उल्टा ही बनाएंगे। पूरी उल्टी सिलाई हमारी उल्टी निकलेगी। इस तरह हम पूरी सिलाई को भी निकाल लेते हैं। क्रीम कलर के फंदों को हमको उल्टा बनाना है, रेड कलर के फंदों को हमको ऐसे कैसे उतार लेना है। इस तरह ये सिलाई भी कंप्लीट कर लेती हूँ मैं और इसके बाद अपनी दो सिलाइयाँ और कंप्लीट कर लूँगी, तो हमारी कुल 4 सिलाइयाँ हो जाती हैं। तो मैं 4 सिलाइयाँ निकाल के इन्हें कंप्लीट कर लेती हूँ। हमने अपनी सारी सिलाइयाँ निकाल के इसे कंप्लीट कर लिए। ये हमारे डिजाइन की 4 सिलाइयाँ निकलती हैं। अब वापस से अपनी रेड कलर की उनसे निकालेंगे, तो पूरी सिलाई हम सीधी निकाल लेते हैं। तो सभी फंदों को हम सीधा निकालते हुए अपनी इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं। मैंने पूरी सिलाई अपनी सीधी निकाल ली है। उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई भी हमारी सीधी निकलेगी, लेकिन इस सिलाई में हम फंदे बढ़ाते हैं। तो जो हमारे फंदे हमने दो उतारे थे जिन्हें बिना बना उतारा, उन दो फंदों को हम 2 का 4 करते चलेंगे। तो शुरू में हमने दो फंदे बिना बने उतारे थे, तो इनको हम सीधी सिलाई निकलेगी। तो पहले हम पीछे से बनाएंगे, फिर आगे से। इससे हमारे 2 के 4 फंदे हो जाएंगे। तो हमें हर दूसरे फंदे में 4 हो गए। फिर हम दो फंदों को बना लेंगे, फिर 2 के 4 कर लेंगे, 1 के 2 और फिर ये 2 के 4। इस तरह फिर ये दो फंदे बना लेंगे हम। इस तरह हमारी सिलाई में 22 फंदे बढ़ जाएंगे। तो मैं ये पूरी रो कंप्लीट कर लेती हूँ। अभी मैंने पूरी उल्टी सिलाई निकाल ली है। इस सिलाई में हमारे 22 फंदे और बढ़ गए। अब इसमें हमारे 66 फंदे हो जाते हैं। अब वापस से हम अपनी डिजाइन बनाएंगे। शुरू में हमने दो फंदे बनाए थे, तो इस बार हम इन दो फंदों को उतार लेंगे और ये हमारी क्रीम कलर की उनसे बनेगी। तो शुरू में दो फंदे मैंने उतार लिए, उसके बाद हम 2 की जगह 4 फंदे बनाएंगे। 4 फंदे बनाएंगे, फिर हम दो फंदों को उतार लेंगे, फिर हम 4 फंदे बनाएंगे।
इस तरह मैं अपनी ये रो कंप्लीट करूँगी। पिछली रो में हमने दो दो फंदे बनाए थे, इसमें दो फंदे तो उतारने रहते हैं, अब इस बार हम चार फंदे बनाएंगे। तो हमारी ये भी है, दो और चार के डिजाइन बनती है। दो फंदे उतारने हैं, अब चार फंदे हमको बनाने हैं। अभी मैंने पूरी सीधी सिलाई निकाल ली है, अब वापस से हम उल्टी सिलाई निकालेंगे और उसके बाद दो सिलाई और निकालेंगे। तो उल्टी सिलाई में हमारी पूरी सिलाई उल्टी निकलेगी और रेड कलर के फंदों को हम यूँ क्यों उतार लेते हैं बिना बने। इसके बाद फिर मैं दो सिलाई और निकाल लेती हूँ, जैसे अपनी पूरी पुरानी रो में निकाली थी, पहली रो में निकाली थी हमने, इसी तरह मैं अपनी ये पूरी उल्टी सिलाई निकाल लेती हूँ। इसके बाद दो सिलाई निकाल के अपनी चारों लाइनों को मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने अपनी चारों सिलाई निकाल ली हैं, वापस से मैं अपनी रो में आ गई। अब पूरी सिलाई हम रेड कलर की उनसे सीधी निकाल लेंगे। तो पूरी सिलाई सीधी निकाल लेती हूँ, ये इसमें हम सभी फंदों को बना लेंगे। मैंने अपनी सीधी सिलाई निकाल ली है, वापस से मैं उल्टी सिलाई में आ गई। उल्टी सिलाई के अंदर हम अपनी उल्टी सिलाई सीधी निकलती है। तो शुरू में हमने इसमें चार फंदे सफ़ेद बनाए थे, तो इन चार फंदों को तो हम चार सीधा बना लेंगे। और जो दो फंदे हम बिना बने उतारते हैं इस सिलाई में तो हमारे बन जाते हैं, लेकिन क्रीम कलर की उनके साथ इन दो फंदों का वापस से हम एक का दो कर लेंगे, जिस तरह मैंने अपने पिछली रो में किया था, एक का दो कर लेंगे। तो इसमें भी हमारे अब पूरे 22 फंदे और बढ़ जाएंगे। तो मैं रो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने अपनी उल्टी सिलाई पूरी कर ली है, अब हम अपनी डिजाइन की तीसरी सिलाई निकाल लेंगे। शुरू में हमने दो दो में डाली थी, फिर चार और दो में डाली थी, अब हमारी छः और दो में डालेंगे। तो जो हमारे बीच में चार फंदे हैं, इनमें से बीच के दो फंदे तो हमारे बिना बने उतरेंगे और बाकी के फंदे हम बनाएंगे। तो बीच में चार हैं तो बीच में दो, तो शुरू में चार हो गए और एक, तो शुरू में हमारे इसमें पांच फंदे बनेंगे। तो पांच फंदे मैं क्रीम कलर की ऊन से बना लेती हूँ। पांच फंदे बनाने के बाद हम दो फंदे बिना बने उतार लेंगे, फिर हमारा एक फंदा तो इसमें से चला जाएगा एक दूसरी डिजाइन में से। तो बीच में हमारे छः फंदे हो गए, अब हमें छः और दो के बीच की डिजाइन बनानी। तो मैं इसकी सभी रो निकाल के कंप्लीट कर लेती हूँ। तो इसकी चार रो निकल जाएंगी मैं, तो छः और दो के बीच में हमें ये डिजाइन बनानी है, तो मैं चारों रो निकाल लेती हूँ। अब मैंने इसमें अपनी फोर रो तो अपनी क्रीम कलर की निकाल ली, उसके बाद दो रो मैंने इसमें टू रो मैंने रेड कलर की निकाल ली। अब रेड कलर की उल्टी सिलाई में हम कोई फंदा नहीं बढ़ाते, क्योंकि हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई है। ये जीरो नंबर और एक नंबर की ड्रेस है, अगर हमको घेरा बड़ा करना हो तो एक रो निकाल लेते हैं, नहीं हम यहीं पे इसे ख़त्म कर देते हैं। अब जैसे हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर अपनी इस ड्रेस के अंदर हमने ये कंगूरे बनाए, इसे मैंने एक कलर से बनाए और ये मैंने पास पास बनाए, इसमें मैं थोड़ा दूर बनाऊँगी और दो कलर से बनाऊँगी। तो मैं इसे आपको बनाना बताती हूँ। शुरू में मैं इसमें तीन फंदे बना लूँगी अपने, ये तीन फंदे की मैं जैसे अपनी पिछली वीडियो में मैंने बनाई थी, अब इन्हीं तीन फंदों को वापस बना लेंगे। तो पहला फंदा हमें बिना बना उतारना रहता है, फिर दो फंदे बना लेंगे, फिर हम पहला फंदा बिना बना उतार लेंगे। इससे निकालते हुए मैं इसमें 15 रो निकाल लेती हूँ, तो मैं इसमें 15 रो निकाल के इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। मैंने इसमें 15 सिलाइयाँ निकाल ली हैं, ये अपनी वापस से रोड बन गई, लंबी रो बन गई है। अब इसको वापस से हम दोनों सिलाइयों को एक साथ कर लेंगे, लेकिन अब किस हमको इसमें क्रीम कलर से बनाना है, तो अपने क्रीम कलर की ऊन को हम आगे ले आते हैं, रेड कलर की ऊन को पीछे छोड़ देंगे और अपनी दूसरी सिलाई लेंगे और इनको दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदा लेते हुए हम इसे दो का एक कर देंगे। तो शुरू में तो हम एक फंदा इसमें से लेते हैं, एक फंदा इसमें से लेते हैं और क्रीम कलर की ऊन से हम इसे दो का एक कर देते हैं। अब हमें थोड़ा दूर दूर बनाना है, तो अपनी जो फंदे वाली सिलाई है इसमें शुरू में हम दो फंदे लेंगे और अपनी दूसरी सिलाई में से एक लेंगे, तो इसमें हमारे चार फंदे कट जाते हैं। इस तरह मैं तीन फंदों का एक करूँगी इसमें। हर लूप के अंदर हमें एक फंदा और घटाना रहता है। अब वापस से हम एक एक फंदा लेके इसे, ये हमारी एक लूप बन गया। अब वापस से हम अपनी क्रीम कलर की ऊन से वही हम 15 सिलाइयाँ निकाल लेंगे। पहला फंदा बिना बना उतारना रहता है, फिर हम 15 सिलाई निकाल के अपनी रो को मैं ले आती हूँ। मैंने इसमें 15 सिलाइयाँ निकालनी है, अपनी सिलाई को वापस से हम दूसरी सिलाई के बराबर में ले जाते हैं। इस बार हम क्रीम कलर की ऊन को तो पीछे रखेंगे
और रेड कलर की ऊन को आगे ले आएंगे, क्योंकि हमको रेड कलर की ऊन से अब हमें दूसरा लूप बनाना है। इस तरह मैं रेड कलर की ऊन को आगे ले आती हूँ और क्रीम कलर की ऊन को मैं पीछे ले गई। अब वापस से हम अपनी तीसरी सिलाई लेते हैं। तो शुरू में तो हम एक फंदा रेड कलर का और एक वाइट कलर का लेते हुए दो का एक कर देते हैं। अब वापस से हम अपनी बीच वाले फंदे में, तो इसमें हमें रेड कलर के दो फंदे लेने हैं, क्योंकि हमको लूप थोड़ा दूर दूर बनाना है और इसमें से एक फंदा लेंगे, तो यहाँ बीच में हमें तीन का एक करना है। फिर हम अपने दो फंदों को एक इसमें से और एक सिलाई में से लेते हुए दो का एक कर देंगे। इस तरह हमारा ये दूसरा लूप भी बन गया। इस तरह मैं बनाते हुए सभी लूप कंप्लीट करके अपने स्ट्रोक को, अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लेती हूँ। इस तरह मैं अपने सभी लूप्स बना के अपनी ड्रेस को कंप्लीट कर लिया है। मैं लास्ट के लूप में आ गई हूँ। लास्ट का लूप मेरा क्रीम कलर का है, क्योंकि पहले हमने रेड कलर का बनाया था। अगर हमारा यहाँ पे रेड आता तो मैं यहीं बंद कर देती और यहाँ क्रीम होता तो, लेकिन यहाँ पे आया। तो अब इस वाले के हम तीन फंदे दूसरी सिलाई में उठा लेते हैं। ये शुरू के जो तीन फंदे हैं उठा लेती हूँ मैं इनको, इस तरह तीन फंदे उठा लेती हूँ। और इस वाली के अपनी सिलाई को जैसे हम नॉर्मली करते हैं वैसे कर लेते हैं। और मैं अब रेड कलर की ऊन से, क्योंकि क्रीम कलर की ऊन तो हमें यहाँ ख़त्म करनी है और रेड कलर की भी ख़त्म करनी है, लेकिन जो हमारी रेड कलर की ऊन है उसको हम आगे लेके आएंगे। तो इससे मैं रेड कलर की ऊन को आगे ले आती हूँ, इनका सभी का दो का एक कर देती हूँ। तो शुरू में पहला फंदा इधर से जो हमने उठाया था वो वाला लेंगी सिलाई में अपनी में, और ये वाला अपना जो हमने लूप बनाया था उसका लेंगे। और इस तरह मैंने इसको दो का एक कर दिया। फिर अगले फंदे को लेंगी और उसका भी मैं दो का एक कर दूंगी। अब हमारे सिलाई में दो हो गए, तो अब हमको सभी फंदे घटाने थे, इसको एक को इसके ऊपर से कर दूंगी मैं। तो हमारा एक ही फंदा बच गया। और ये लास्ट के दो भी बना लेती हूँ मैं। अब इनमें से भी मैं एक फंदे को इसके ऊपर कर देती हूँ। इस तरह हमारा ये एक फंदा बच गया। अब हमारे सभी फंदे घट गए और हमारी ये ड्रेस आगे से, तो इस तरह से हमारी ये जुड़ जाती है। इस तरह आपस में ये लूप हमारे इस तरह से जुड़ जाते हैं। अब मैं सभी उनको काट देती हूँ अपनी को, क्रीम कलर की को और रेड कलर की उनको। इस तरह हमारी ये ड्रेस कंप्लीट हो गई। अब अपनी इस ड्रेस को हम इस तरह से नीचे की तरफ से ले जाते हुए इसे सिलाई कर देंगे। तो मैं अपनी इस ड्रेस को इस तरह से पूरी को सिलाई कर देती हूँ। हम अपनी ड्रेस की सिलाई करेंगे। ये मैंने फंदे घटा लिए, तो सबसे पहले हम इन दोनों लूप को एक दूसरे के ऊपर इस तरह से थोड़ा सा सिलेंगे, जिससे हमारे लूप आपस में दब जाए। तो इस तरह से यहाँ पे क्योंकि हमारे सभी लूप एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, तो इसको हम यहाँ से इस तरह से सिल देंगे। ये लास्ट वाला लूप है इसलिए हमारा, जिससे हमारा इसका वाइट वाइट भी नहीं दिखाई देगा और हमारा लूप भी अच्छा लगेगा। दोनों लूप एक दूसरे के ऊपर सिलने के बाद अब हम नीचे से अपनी ड्रेस को सिलाई करते हैं। तो मैं इधर से अपनी ड्रेस को इस तरह से ले लेती हूँ। अब इस तरह से करने से हमारे ये दोनों लूप एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, हमारी पूरी ड्रेस सही लगती है। और जो हमारी वाइट कलर की ऊन है, इस ऊन को हम दबा देंगे, जो वाइट ऊन आ रही है इस ऊन को भी। तो इस तरह मैं इसकी पूरी की सिलाई कर लेती हूँ, लेकिन इसको हल्के से थोड़ा सा दबा के करना है हमको इस तरह से। अभी हमारा बिल्कुल सही आ गया। अब मैं इसको पीछे से इस तरह से सिल देती हूँ और वाइट ऊन को अपनी को साथ में दबा के चलती हूँ। इस तरह से सिलते हुए मैं पूरी ऊपर तक सिल लाती हूँ।
इससे मैंने अपनी ड्रेस के पीछे से सिलाई कर ली। अब बनने के बाद हमारी ड्रेस कुछ इस तरह की बनती है। अगर आपको मेरी ये ड्रेस अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।